नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल नेहा ऑफिशियल में। मैं हूँ नेहा। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपना खूब सारा ख्याल रख रहे होंगे। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बात करने वाले हैं कि बारिश के मौसम में यदि आपकी डिलीवरी होने वाली है तो आपको किन बातों का खास ध्यान रखना चाहिए, यानी कि जुलाई और अगस्त में आपकी डिलीवरी है तो क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, किन बातों को आपको खास ध्यान रखना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, यही चीज़ें मैं इस वीडियो में शेयर करने वाली हूँ आप लोगों के साथ। मैं हमेशा नॉलेजेबल वीडियो ही शेयर करती हूँ, इस पर आप वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें, क्योंकि हो सकता है कि कुछ ऐसी जानकारी आपसे छूट जाए जो मैं इस वीडियो में बताना चाह रही हूँ। तो आप लोग वीडियो पे एंड तक बने रहिए और वीडियो पसंद आने पे वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। चैनल पे नए हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें, जिससे कि आपको इसी तरह की वीडियो डेली देखने को मिल जाए। तो करते हैं वीडियो को स्टार्ट। यदि बारिश के मौसम में आपकी डिलीवरी होने वाली है, यानी कि जुलाई और अगस्त में यदि आपकी डिलीवरी होने वाली है, तो आपके पास बहुत ज़्यादा समय नहीं बचा है। एक या डेढ़ महीना आपके पास बचा है, कभी भी आपकी डिलीवरी हो सकती है। ऐसे में आपको अपने खान पान, रहन सहन, हर चीज़ का ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। 5 बातें ऐसी हैं जिनका आपको खास ध्यान रखना चाहिए, जिससे कि आपकी डिलीवरी हेल्दी हो और नॉर्मल डिलीवरी में कोई भी परेशानी ना हो। ये 5 काम आपको 8वां महीना स्टार्ट होते ही कर देना चाहिए, जैसे कि डॉक्टर भी रेकमेंड करते हैं 8वां महीना लगते ही। ये देखना चाहते हैं कि बेबी हेल्दी है या नहीं, या नॉर्मल डिलीवरी होगी या नहीं, उसके लिए अल्ट्रासाउंड कराया जाता है। साथ ही आप डेली रूटीन चेकअप भी करवाते रहिए, और अल्ट्रासाउंड में जो रिपोर्ट आती है, कुछ बेबी जैसे होते हैं जो जल्दी हेड डाउन कर लेते हैं तो डॉक्टर आपको नॉर्मल डिलीवरी बताते हैं, लेकिन कुछ बेबी जैसे होते हैं जो एंड टाइम तक हेड डाउन नहीं करते और एंड टाइम पे डिलीवरी के एंड टाइम पे हेड डाउन करते हैं, जिससे कि नॉर्मल डिलीवरी पक्की हो जाती है। लेकिन कुछ बेबी ऐसे होते हैं कि हेड डाउन नहीं कर पाते, जिस वजह से आपको सी सेक्शन करवाना पड़ सकता है। लेकिन बहुत सारी महिलाएँ चाहती है, ज़्यादातर महिलाएं यही चाहती है कि उनकी नॉर्मल डिलीवरी हो। उसके लिए आपको क्या करना चाहिए जिससे कि आपकी डिलीवरी आसान हो जाए और आपको डिलीवरी में ज़्यादा पेन भी ना हो? यदि आपका 8वां महीना या 9वां महीना शुरू हो गया है तो आपको इन 5 बातों का खास ध्यान रखना चाहिए। अपने खान पान का सबसे पहले और सबसे ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए। नंबर 1 पे है, आपको रात में सोने से पहले गुनगुना दूध ले लेना है। 1 गिलास गुनगुना दूध आप ले लीजिए। गर्मी का टाइम है, लेकिन आपको इस टाइम पे हो सके तो आप गुड़ के साथ ही उस दूध को पीजिए। गुड़ के साथ साथ आप दूध में हल्दी मिला सकती है। यदि आप हल्दी पसंद नहीं करती है तो उसमें 2 चम्मच शहद मिला सकती है। यदि आपके पास शहद नहीं है तो आप केसर भी उसमें मिला सकती है, और घी भी एक ऑप्शन है। घी भी आप 2 चम्मच मिला के उसमें खा सकती है। कहा जाता है कि घी की तासीर गर्म होती है, साथ ही जो भी चीज़ें मैंने आपको बताई, हल्दी, केसर और साथ ही शहद, इनकी तासीर गर्म होती है, जो कि नॉर्मल डिलीवरी के लिए बेबी को एकदम रेडी करती है, आपकी बॉडी को भी रेडी करती है, आपकी मांसपेशियों का तनाव भी इससे कम होता है। यदि आप इन चीज़ों में से कोई एक चीज़ भी लेती है दूध के साथ, तो ये आपके लिए काफ़ी मददगार रहेगा आपके नॉर्मल डिलीवरी में। तो आप 1 गिलास दूध लेना बिल्कुल भी ना भूलें, आज ही से शुरू कर दें। यदि आप नहीं पी रही हैं तो आज ही से शुरू कर दें। 1 गिलास दूध आप सोने से पहले गुनगुना दूध ले लीजिए, और इनमें से कोई भी चीज़ आप ले सकती हैं और गुड़ के साथ ही पीजिए, जिससे कि आपको नॉर्मल डिलीवरी के लिए आपकी बॉडी को ये एकदम प्रिपेयर कर लेगा। सेकेंड नंबर पे है, ज़्यादा से ज़्यादा दाल पीजिए। दाल आप पतली कर लीजिए, बहुत गाढ़ी दाल ना बनाइए। पतली दाल आप करके पीने में आपको आसानी होगी। आप ज़्यादा हो सके तो अपनी डाइट में दाल का ही यूज कीजिए, क्योंकि दाल की तासीर भी गर्म होती है, साथ ही दाल में प्रोटीन वगैरह पाया जाता है, जिससे कि आपकी बॉडी में ताकत भी आएगी, साथ ही आपकी बॉडी प्रिपेयर होगी नॉर्मल डिलीवरी के लिए। और अगर दाल को आप पतला करके पीती है तो वो आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। और साथ ही गुनगुना पानी पीना ना भूलें। कहा जाता है कि ठंडे पानी से मांसपेशियों का तनाव बढ़ जाता है, जिससे कि आपकी डिलीवरी में प्रॉब्लम्स आ सकती है। तो गुनगुना पानी ही पीजिए इस दौरान। गर्मी के दिन है, फिर भी आपको गुनगुना पानी ही पीना चाहिए, क्योंकि आपकी डिलीवरी नज़दीक है, और यदि इस टाइम पर आप ठंडा पानी पीती है तो वो आपके लिए ही परेशानी करेगा एंड टाइम पर। थर्ड नंबर पे है, आपको इस दौरान ज़्यादा से ज़्यादा ड्राई फ्रूट्स खाने चाहिए। ड्राई फ्रूट्स में आपको जो भी पसंद है,
बादाम, काजू, किशमिश, इस तरह की चीज़ें, कुछ भी आप अखरोट आप ले सकती हैं, जो भी आपको ज़्यादा पसंद है वो आप खा सकती हैं। लेकिन ध्यान रखिए कि इस दौरान आप उन्हें भिगो के ना खाएं, क्योंकि भिगाने के बाद उनकी तासीर ठंडी हो जाती है। यदि आप गर्म नट्स यदि आप सूखे मेवे खाती है तो उनकी तासीर कहा जाता है कि गर्म होती है, तो इससे आपकी नॉर्मल डिलीवरी में आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। साथ ही आप शेक वगैरह बना के भी पी सकती है। यदि आपसे इस तरह से नट्स नहीं खाए जा रहे हैं तो आप शेक वगैरह बना के भी पी सकती है। साथ ही आप खजूर डेली के 2 खजूर मॉर्निंग में, 2 खजूर रात में सोने से पहले खा सकती है। ये भी आपके नॉर्मल डिलीवरी में आपको काफ़ी हेल्प करेंगे। 4th नंबर पे आता है कि आपको डेली एक्सरसाइज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यदि आप एक्सरसाइज नहीं कर पा रही है तो आपको डेली मॉर्निंग वॉक और इवनिंग वॉक ज़रूर करना चाहिए। हल्का फुल्का टहलना आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होगा। यदि आपके पास सिर्फ 1 महीना 1.5 महीना बच गया है तो फिर आपको 1 घंटा तो डेली ज़रूर टहलना चाहिए। साथ ही आपको टहलने के बाद बहुत ज़्यादा पसीना यदि होता है तो साथ में आप पानी की बॉटल भी ज़रूर रख लें। टहलना बहुत अच्छा माना जाता है नॉर्मल डिलीवरी के लिए। इससे आपका एक्स्ट्रा फैट भी घटेगा, साथ ही आपकी मांसपेशियों का तनाव भी कम होगा। 5th नंबर पे आता है डेली रूटीन चेकअप। आप अपना डेली रूटीन चेकअप जरूर कराएं, हर हफ्ते डॉक्टर से ज़रूर मिले, क्योंकि कुछ महिलाओं की डिलीवरी 9वां महीना लगते ही यानी स्टार्टिंग में ही हो जाती है। कुछ महिलाओं की डिलीवरी लेट होती है लेकिन कुछ महिलाओं की स्टार्टिंग में हो जाती है। कुछ महिलाओं को 8वें महीने भी डिलीवरी हो सकती है, तो आपको डेली रूटीन चेकअप ज़रूर कराना है। बीपी का चेकअप ज़रूर कराना है, जो भी डॉक्टर आपको कहते हैं उस तरह के चेकअप आपको ज़रूर कराने हैं। साथ ही यदि आपने अभी 8वें महीने वाला अल्ट्रासाउंड नहीं कराया है तो वो अल्ट्रासाउंड भी आपको ज़रूर कराना है। साथ ही आपको इस बात का भी ध्यान रखना होगा कि आपका बेबी का वज़न कितना है। यदि बेबी का वज़न कम है तो आपको इस तरह की फूड्स खाने होंगे जिससे कि बेबी का वज़न जल्द से जल्द बढ़ जाए। और साथ ही आपको यदि बेबी का वज़न बहुत ज़्यादा हो गया तो ऐसे में भी नॉर्मल डिलीवरी में दिक्कत आ सकती है। यदि बेबी का वज़न ज़्यादा हो गया, एक्स्ट्रा हो गया है, तो ऐसे में आपको ध्यान रखना होगा कि आपको किस तरह का खाना खाना है। डॉक्टर से ज़रूर परामर्श करें इस बारे में कि आपको किस तरह का फूड खाना चाहिए। बेबी के वज़न पर खास ध्यान देना चाहिए इस दौरान प्रेग्नेंट महिलाओं को, और साथ ही अपने वज़न पर भी ध्यान देना चाहिए। एक्स्ट्रा फैट शरीर में नहीं होना चाहिए। कहा जाता है कि एक्स्ट्रा फैट होने से नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो पाती। अपना और बेबी का वज़न ध्यान में रखते ही आप इस तरह का खान पान अपने डाइट में शामिल करें जिससे कि आपका वज़न भी बहुत ज़्यादा ना बढ़े या बहुत कम भी ना रहे। और वहीं बेबी का वज़न भी बहुत कम नहीं होना चाहिए और बहुत ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए। सामान्य वज़न होना चाहिए, जैसे कि 2.5 किलो से 3 किलो तक काफ़ी सही माना जाता है। और जो नॉर्मल वेट माना गया है वो 2.5 किलो बेबी का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ऐसे होते हैं जो इस दौरान प्रेग्नेंट महिला को बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए जिससे कि उनके नॉर्मल डिलीवरी में प्रॉब्लम आ सकती है या उनके बेबी के हेल्थ में भी प्रॉब्लम आ सकती है। सबसे पहला काम वो है जो आपको बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, वो है ठंडा पानी आपको बिल्कुल नहीं पीना है, फ्रिज का पानी। इस दौरान गर्मी का टाइम है और बहुत सारे लोगों का मन करता है कि वो ठंडा पानी ही पिए, फ्रिज का पानी पिए। लेकिन प्रेग्नेंट महिलाओं को, खासकर जिनकी डिलीवरी पास आ गई है, जिनके डिलीवरी में 1 से 2 महीना ही बच गया है, तो उन्हें ठंडा पानी बहुत ज़्यादा नहीं पीना चाहिए। और हो सके तो नॉर्मल पानी पीजिए या गुनगुना पानी ही पीजिए, यही आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। साथ ही आपको आइसक्रीम वगैरह, कोल्ड ड्रिंक वगैरह भी बिल्कुल नहीं पीनी चाहिए। बरसात के मौसम में यदि आपकी डिलीवरी है तो आपको इस बात का भी खास ध्यान रखना होगा कि आपको घर में नंगे पैर नहीं चलने हैं। आपको हमेशा स्लीपर्स पहने रहना है, क्योंकि नंगे पैर चलने से आपको ठंड लग सकती है। ठंड का एहसास उस समय नहीं होगा लेकिन ठंड लगती है, इसलिए आपको हमेशा स्लीपर्स पहननी चाहिए और बिना स्लीपर्स के नहीं चलना चाहिए। इस दौरान आपको बारिश में भीगने से भी बचना चाहिए और ठंडे पानी से नहाने से भी बचना चाहिए। बहुत ज़्यादा ठंडा पानी भी आप यूज़ ना करें नहाने में, हो सके तो गुनगुने पानी से इस दौरान आपको नहाना चाहिए। घर के बहुत सारे काम इस दौरान करना खतरनाक साबित हो सकता है। साथ ही इस दौरान आप ऐसी चीज़ें खाइए जिससे कि बच्चे को पीलिया ना हो, क्योंकि बरसात के मौसम में डिलीवरी होती है तो बहुत सारे बच्चों में ये शिकायत आ जाती है कि बच्चों को पीलिया हो जाता है। साथ ही माँ भी अपना ध्यान रखे कि उन्हें पीलिया ना हो, उन्हें पीलिया नहीं होगा तो फिर बच्चे को भी नहीं होगा। और बहुत सारे बच्चों में नॉर्मली कहा जाता है कि पीलिया होता है, थोड़ा बहुत तो सभी बच्चों में होता है, लेकिन
ध्यान रखना होगा आपको कि बहुत ज़्यादा पीलिया ना हो, उसके लिए आपको सलाद खाने की ज़रूरत होगी जिसमें आप मूली का यूज कर सकते हैं, साथ ही आप जो ब्लैक सोयाबीन आता है वो भी आप यूज कर सकते हैं। ब्लैक सोयाबीन की दाल बना के आप खा सकते हैं, मूली का आप डेली यूज करिए सलाद में, जिससे कि आपके बच्चे को पीलिया होने की शिकायत बिल्कुल भी नहीं होगी। और हफ्ते में 2 बार ब्लैक सोयाबीन की दाल ज़रूर खाएं, जिससे कि बच्चे को पीलिया की शिकायत बिल्कुल नहीं होगी, साथ ही आपको भी पीलिया नहीं होगा। ये बहुत महत्वपूर्ण टिप्स था जो मैं आपको बताना चाह रही थी, लेकिन मैं भूल गई स्टार्टिंग में ये बात बताना, तो एंड टाइम पे बता रही हूँ। इसलिए मैं सभी को बोलती हूँ कि वीडियो को एंड तक देखा करिए, क्योंकि कुछ चीज़ें हम लोग भी भूल जाते हैं स्टार्टिंग में बताना, जो चीज़ें हमें याद आती है तो एंड टाइम पे हम उसे बता देते हैं। तो दोस्तों, यही था मेरा आज का वीडियो। आई होप आप सभी को मेरा आज का वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, चैनल पे नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन जरूर दबा दें, जिससे मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी के पास आते रहे। मिलती हूँ आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। बाय बाय फ्रेंड्स।